नमस्ते, फूड पाथ में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर हिमांशु सक्सेना और मेरी वाइफ डॉक्टर ऋचा सक्सेना, हम दोनों का यह चैनल है। आज हमने अपने जितने भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं उसके साथ एक नया सेगमेंट जोड़ने की हमने कोशिश की है और शुरुआत की है। उस सेगमेंट का नाम है हेल्दी लिविंग। इस सेगमेंट में हम आपको हमारा जो फूड है, खाना, जो हमारी फूड हिस्ट्री है और जो हमारा अलग अलग हर्ब्स होते हैं उनके न्यूट्रिशन के बारे में, उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू किस टाइप्स के होते हैं, क्या खाना अच्छा है क्या खाना बुरा है, इसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज हम उस चीज़ से शुरुआत करेंगे जो हमारे साथ लगभग पूरी ज़िंदगी रहती है, जब हम पैदा होते हैं या जब तक हमारी मृत्यु होती है। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में वो हमेशा रहती है, वो है आपका दूध। जी हाँ, जब हम पैदा होते हैं तो ऑब्वियसली दूध से ही शुरुआत होती है। जब हम बूढ़े हो भी जाएंगे, हो सकता है हमने दूध पीना बंद भी कर दिया हो, बट पनीर, घी, दही, किसी न किसी फॉर्म में हम दूध को अपने साथ लेते ही रहते हैं। तो दूध, आप क्या आप जानते हैं दूध के भी टाइप्स होते हैं? जी नहीं, मैं गाय का दूध, भैंस का दूध ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो आपका दूध होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। हमारे दूध की सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन है वो है बीटा केसीन। दूध सबसे इम्पॉर्टेंट अपने प्रोटीन के लिए है और उसमें से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है वो है बीटा केसीन। अब वो दो टाइप का होता है, A1 और A2। जी नहीं, ये क्वालिटी के हिसाब से A1 और A2 नहीं बांटे गए हैं। जो हम इंसानों ने जिस चीज़ की रिसर्च पहले करी अपने लेबोरेटरीज़ में उसका नाम हमने A1 डाल दिया और जिसकी बाद में करी उसका नाम हमने A2 डाल दिया। तो यहाँ पे हम दूध को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, एक होगा A1 दूध, एक होगा A2 दूध। अब A1 दूध कौन सा है? A1 दूध है जनरली जो होल्स्टीन गायें हैं, HF, जो आजकल ज़्यादातर चलती हैं, उनका गाय दूध जनरली A1 दूध होता है। बाकी जो एग्जॉटिक गायें हैं जो विदेश से आई हैं, जैसे कि आपकी जर्सी, ग्रीनरी, इन सब का जो दूध है वो A1 और A2 का मिक्स होता है, जिसमें A2 की मात्रा लगभग 60% के करीब होती है और A1 की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, मगर लगभग 40% की होती है। अब हम आते हैं A2 दूध पे। प्योर A2 दूध किसका होता है? प्योर A2 दूध होता है हमारी देसी गायों का, जिनकी पीठ में कुबड़ रखला होता है, जिनको हम ज़ेबू कैटल कहते हैं। दोनों गायों में डिफरेंस क्या है? दोनों की स्पीसीज ही अलग है, यानी कि दोनों की प्रजातियाँ ही अलग हैं। जैसे एक टाइगर और एक पैंथर है, पेंथेरा टिग्रिस एंड पेंथेरा पार्डस, जीनस उनका पेंथेरा है और टिग्रिस जो उनकी स्पीसीज है वो अलग है। आपके टाइगर की टिग्रिस है और पेंथर की पार्डस है। वैसे ही अपना जो देसी गाय होती हैं वो होती हैं बॉस इंडिकस और एग्जॉटिक गाय होती हैं बॉस टॉरस। बॉस कॉमन है, जो हमारा जीनस है वो कॉमन है, जो हमारा स्पीसीज है वो अलग है। अभी 2-1 साल पहले इन्होंने स्पीसीज भी कॉमन करके एक सब स्पीसीज निकाल दी है, जैसे बॉस टॉरस इंडिकस एंड बॉस टॉरस टॉरस, बट जनरली वो सब कुछ कमर्शियल वजह से किया गया था, हम उस चीज़ पे अभी आएंगे। तो A2 दूध होता है हमारी ज़ेबू कैटल्स में, जो इनकी भी पीठ पे कोबर निकला है उन पे, देसी भैंस, और जो ह्यूमन मिल्क होता है, जो इंसानी माँ का दूध होता है, वो भी प्योर A2 दूध होता है। तो भैंस अपना देसी गाय और इंसानी जो दूध होता है वो A2 दूध होता है। अब इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? जो A1 दूध होता है, A1 प्रोटीन होता है, जब उसका जब उसकी डाइजेशन होती है, जब उसका पाचन होता है, तो बीटा केसोमॉर्फिन 7 BCM7 एक पेप्टाइड रिलीज होता है। ये BCM7 जो है ये बहुत सी डिजीज में इसका एक रोल मिलता है, जैसे कि आपके डायबिटीज मेलाइटस, आपकी हार्ट डिजीज़, और यहाँ तक कि ऑटिज्म में भी इसका हाथ है। ये जो डाइजेशन, ये आपका जो A2 मिल्क है उसकी डाइजेशन में ये बिल्कुल भी नहीं आता, BCM7 पेप्टाइड। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि हिस्टिडीन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है जो A2 मिल्क में नहीं है, जो A1 मिल्क में मिलता है। हिस्टिडीन का जब पाचन होता है तो हिस्टामीन रिलीज होती है, जो आपको एलर्जिक रिएक्शंस करती है। तो सब क्लिनिकल एलर्जीज आपको होती हैं इससे, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है। तो A1 मिल्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कम हेल्दी हैं आपके A2 मिल्क से।
A2 मिल्क आपकी डायबिटीज़, आपकी हार्ट डिजीज़ में लड़ने में मदद करता है, और A2 मिल्क में आपके A2 मिल्क में आपकी BCM7 जीन नहीं होता और हिस्टिडीन नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है ज़्यादा। अब जो हम तीसरी बात करेंगे वो होगा कि जो हमारा आपने सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस टाइप जो रिएक्शंस होते हैं, ये A2 मिल्क में बहुत कम देखने को मिलते हैं, ना के बराबर। A1 मिल्क में जो रिएक्शंस हैं इंटॉलरेंस टाइप्स, गैस्ट्राइटिस, लैक्टोज इंटॉलरेंस के जो भी सिम्टम्स होते हैं, वो आपको A1 मिल्क के साथ देखने को मिलेंगे, A2 मिल्क के साथ देखने को बहुत कम मिलते हैं। तो इन अ नटशेल, बहुत सी चीज़ों में A2 मिल्क इज़ मच 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 बेटर देन A1 मिल्क। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आजकल जो हमारा पहले देसी गाय और भैंस का दूध ज़्यादा आता था, ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन चाहिए, वहाँ पे आजकल इंडिया में जनरली HF गाय का दूध दिया जा रहा है, जो कि होल्स्टीन है। होल्स्टीन गाय में लगभग 95% A1 प्रोटीन होता है, A2 प्रोटीन की मात्रा नाम मात्र होती है। तो जब तक पहले एग्जॉटिक गाय हमारे इंडिया में आई थी, जैसे कि जर्सी वगैरह, तब भी ऐसा था कि A2 फिर भी आपको मिल जाता था 60% के करीब, और A1 40% के करीब था उनमें, आपको A2 फिर भी मिल जाता था। बट होल्स्टीन के आने के बाद हमारा A2 ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, तो इस तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। होल्स्टीन जो है वो वैसे भी नेचुरली डेवलप्ड गाय नहीं है, बेसिकली इंसानों ने नेचर से खेला है, हम ही ने उसको डेवलप किया है, अलग अलग गाँव गाय क्या और इंटरब्रीड करवा के, मिक्स करवा के लैब में प्रोड्यूस्ड ये गाय है। तो ऑब्वियसली उतना हेल्दी मिल्क होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि कुदरत से जब हम खेलेंगे तो कुदरत हमसे खेलेगी। तो ये जो पहला हेल्दी लिविंग का सेशन था वो था मिल्क के ऊपर। अब हम फिर से इसको एक समअप करते हैं, प्रोटीन के टाइप पे हम दो में बांट सकते हैं, A1 और A2। आज की डेट में आप अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ पर जाएंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, आपका US, वहाँ पर अलग से A2 मिल्क मार्केट किया जा रहा है। वहाँ पे ब्राज़ील और इंडिया में तो हमारी ही कांकरेज और गिर गाय को लेके गए हैं, और वहाँ पे उन्होंने उसको और इम्प्रूव करके इसी दूध को ज़्यादा वो लोग मार्केट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपना भूल गए हैं, हमारी देसी गाय का मतलब है कांकरेज, गिर, हरियाणा, बद्री, पार्वती, कोई भी साहिवाल, जो भी हमारी इंडियन ब्रीड्स थी वो। तो A1 मिल्क है आपका एग्जॉटिक ब्रीड्स का, A2 मिल्क है आपका भैंस का, या फिर इंडिया की जो देसी गाय की ब्रीड्स थी उनका। A2 मिल्क इज़ मोर हेल्दी देन A1 मिल्क। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी न किसी तरह A2 मिल्क को ही अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाएं। आप खुद देखिएगा, आजकल A2 मिल्क इतना कॉस्टली हो गया है, A2 मिल्क से बना घी इतना कॉस्टली हो गया है, कि अब सबको जब उनकी हेल्थ के फ़ायदे पता चल रहे हैं तो उनकी वैल्यू वापस ऊपर जा रही है। तो इसी के साथ हमारा हेल्दी लिविंग का ये सेशन ख़त्म होता है। ऐसे ही और सेशंस के लिए हम ज़रूर आएंगे वापस। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपीज़, ट्रेवल व्लॉग्स, और अब आपको हेल्दी लिविंग के टिप्स भी इसी चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते।